Hello everyone, very good afternoon to one and all present here. I, Varsha, welcome you all in this session. मैं वर्षा आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ SSC Adda 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर इस साइंस की क्लास में, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस करते हैं एज यूजल जो बार बार रेलवे के एग्जाम्स में साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सभी क्वेश्चन. तो कैसे हैं आप लोग, कैसे आपकी तैयारी चल रही है, एम आई ऑडिबल टू यू, कि आप लोग को मेरी वॉइस क्लियरली सुनाई दे रही है और जो स्क्रीन पर है, इज इट क्लियरली विजिबल टू यू. तो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं, जल्दी से आप लोग क्लास को शेयर करेंगे व्हाट्सएप, फेसबुक, जो भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं वहां पर. उसी के बाद हम अपने बेहतरीन सेशन की शुरुआत करेंगे एक बहुत ही सुंदर कोट के साथ, जो कि इस प्रकार है. हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हम प्रयास करना छोड़ देते हैं. सफलता का एक रास्ता है कि एक बार और प्रयास किया जाए. यानी कि जिस क्षण आपके मन में यह ख्याल आ जाए कि अब मुझे छोड़ देना चाहिए, उसी क्षण आपके मन में एक और ख्याल आता है कि क्या मैं एक बार और ट्राई करूं. तो पहले ख्याल को आप लोगों ने स्किप करके दूसरे ख्याल के साथ अगर जाओगे तो सफलता आपको उसी राह पर ही खड़ी मिलेगी जहां पर आप छोड़ के पीछे जाने का सोच रहे थे. तो इस बात को अपने जहन में बहुत ही अच्छे से आप लोग बैठाएंगे जो मैंने अभी आपको कही है, और साथ में क्लास को आप शेयर करेंगे फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप लोग इस्तेमाल करते हैं. और आप लोगों की ही डिमांड्स पर एज यू वॉन्ट की हम लोग एक 6 आवर की 6 घंटे की साइंस की मैराथन करें. तो कल आप लोगों के लिए संडे स्पेशल मॉर्निंग में आठ बजे से दोपहर जब तक श्रद्धा और जब तक हम लोग करेंगे 6-7 घंटे, जब तक हम पढ़ाना चाहेंगे तब तक हम लोग साइंस की मैराथन कर रहे हैं. ये जो मैराथन है इसमें सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैंने क्वेश्चंस को सेक्शन वाइज इंक्लूड किया है. तो ये मैराथन के लिए अभी से आप, जैसे ही आप लोग को ये मैराथन का यहाँ पर शेड्यूल मिलेगा, आप तुरंत ही इसके लिए रिमाइंडर सेट कर लीजिएगा, ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट ये मैराथन आप लोग के लिए होने वाली है. सुबह 8 बजे साइंस की मैराथन है. तो मिलते हैं कल सुबह, और अभी आप लोग की क्लास हम करते हैं. जल्दी से जितने स्टूडेंट कनेक्ट कर रहे हैं क्लास को फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, हर जगह शेयर कर दो, है ना, हर जगह क्लास को शेयर कर दो. आप लोग की संडे में मॉर्निंग में 8 बजे साइंस की, फिर उसके बाद मैथ्स की दोपहर 2 बजे, और फिर इंग्लिश की रात को 8 बजे आकांक्षा मैम मैराथन ले रही है. तो ये सभी क्लासेस के लिए आप कल के लिए रेडी रहेगा कि कल आपका संडे स्पेशल इस तरह से हम लोग करने वाले हैं. तो देखिए भाई, कल का जो क्वेश्चन था उसका जवाब दो बच्चों ने बहुत ही जबरदस्त वाला दिया है. अपना हैंड रेस करके बता दो कि वो दोनों बच्चे क्लास में आ चुके हैं, उसी के बाद उनको अप्रिशिएशन दिया जाएगा. कल जो आप लोगों से सवाल पूछा गया था, और जो भी स्टूडेंट नए यहाँ पर कनेक्ट करते हैं मेरे साथ साइंस की क्लास में, अगर उन्होंने अभी तक भी SSC Adda 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे. तो ये रहा आप लोगों का पहला सवाल, ये रहा आप लोगों का वो सवाल जो कल होमवर्क में आप लोगों को दिया गया था, और बहुत ही उम्दा एक्सप्लेनेशन के साथ अमन कुमार ने और अर्जुन स्टडी एस्पिरेंट ने इसका आंसर दिया. उन्होंने पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर दिया जैसा कि मुझे चाहिए था, और बच्चों ने आंसर मार्क किया. लेकिन बच्चे मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए आप लोगों से, क्योंकि जब मैं यहाँ आपको सब चीज़ें एक्सप्लेनेशन के साथ कराती हूँ तो इन रिटर्न मुझे भी तो सब कुछ एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए. तो अतुल कुमार, शोभना, प्रियम, आशु, एम आई ऑडिबल टू यू, से येस और नो कि आप लोग को मेरी वॉइस क्लियरली सुनाई दे रही है और आप लोग के कमेंट्स मुझे विजिबल नहीं हो रहे. तो जल्दी से आप लोग मुझे बताइए, एम आई ऑडिबल? यस, जो भी स्टूडेंट यहां कनेक्ट कर रहे हैं, एम आई ऑडिबल टू यू? ना, ओके, अब ओके है, थैंक यू सो मच. तो हाँ, तो ये आप लोगों ने, हाँ, ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब होगा? प्रकाश ठाकुर, ग्रुप डी का एग्ज़ाम के लिए जल्दी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. हाँ, अब आप लोगों के कमेंट्स मुझे शो हो रहे हैं, ठीक है. नाउ एवरीथिंग इज़ देयर ऑन स्क्रीन विद मी.
तो भाई अप्रिशिएशन मिला है दो बच्चों को, अब उनके कमेंट्स शो हो रहे हैं कि उन्होंने यहाँ पर रिप्लाई किया है, पहले बीच में कमेंट शो नहीं हो रहा था। तो कल जो आप लोग के मैराथन सेशन होने वाले हैं, तो बी रेडी फॉर दैट, सेशन को हर जगह शेयर करके आएंगे सुबह 8 बजे, ठीक है। 8 बजे सुबह हम मिलने वाले हैं, पहली बार हम सुबह 8 बजे मिलेंगे, क्योंकि अब तक की मेरी कोई भी क्लास सुबह 8 बजे आज तक मैंने ली ही नहीं है। तो कल सुबह 8 बजे आप लोगों से मुलाकात होगी। अभी एक बार जल्दी से आप लोग क्लास को शेयर कर दें, है ना, जल्दी से आप क्लास को शेयर करेंगे। और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने बाइसेप लगाना था बच्चे, बाइसेप लगाना था इस क्वेश्चन का आंसर। अब बाइसेप से जुड़ी हुई सारी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आप लोग के लिए स्क्रीन पर ये रही। क्वेश्चन में आप लोगों से ये पूछा गया था, जितने बच्चे कनेक्टेड हैं एक बार क्लास को आप लोग शेयर कर देंगे, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप लोग इस्तेमाल करते हैं। देखिए भाई, क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी डज नॉट हैव स्मूथ मसल्स, यानी कि स्मूथ चिकनी मांसपेशियां निम्नलिखित में से शरीर के कौन से अंग में नहीं होती हैं। तो हमारे शरीर में जितने भी खोखले अंग है, यानी कि अंदर से होलो पार्ट्स हैं, उन सभी में स्मूथ मसल्स होंगी। हमारे शरीर के जितने भी डेलिकेटेड ऑर्गन्स हैं उनमें भी स्मूथ मसल्स होगी, ब्रोंकियाई ऑफ लंग्स में भी स्मूथ मसल्स होगी। जो बाइसेप्स हैं आपके, ठीक है, जो बाइसेप्स जिनको हम बोलते हैं, उनमें स्मूथ मसल्स नहीं होते, क्योंकि वो स्केलेटन सिस्टम का हिस्सा होता है, आपकी कंकाल प्रणाली का हिस्सा होता है। तो कारण यहाँ पर आप लोगों के लिए मैंने पूरा स्क्रीन पर रखा है। और एक और बात, जो MTS में मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था बच्चे, MTS के सेशन में जो सवाल मैंने आप लोगों से पूछा था, उसका बहुत बच्चों का गलत जवाब है, तो उसके बारे में सोच लीजिएगा। अभी भी आप लोगों के पास वक्त है, क्योंकि वो क्लास हमारी 2 से 3 होती है, तो उसके ऊपर एक बार वर्क करेंगे। और कमेंट में अभी भी आप लोगों के पास वक्त है, लिख दीजिएगा अगर आपको सही आंसर पता है तो। मैं किसी से नाराज नहीं हूँ, क्वेश्चंस का आंसर करते हैं, ठीक है, नाराजगी, ठीक है, ये नाराजगी गई दूर, अभी पढ़ाई पर ध्यान देते, ठीक है। अभी हम लोग का जो है जिंदगी का सवाल है, पढ़ाई का, करियर का सवाल है, ये नाराजगी तो होती रहती है, चलती रहती है, ये तो नियम है प्रकृति का, ठीक है। स्मूथ मसल्स की बात करें, इनको इसलिए ये नाम दिया गया क्योंकि इनके जो सेल्स होते हैं डू नॉट हैव स्ट्रिएशन, ठीक है, इनके अंदर स्ट्रिएशंस यानी कि धारी नहीं होती है, ठीक है। और दे आर, ये कहाँ कहाँ पर ये मौजूद होते हैं, इनकी लोकेशन आप लोग देखेगा, हमारे शरीर के वो अंग जो अंदर से खोखले होते हैं, उनकी जो दीवारें होती हैं, ये वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो यानी कि ये मौजूद हो गए आपके यूरेटर में, मूत्र वाहिनी में, ठीक है, जो आपके किडनी से आपके यूरिनरी ब्लेडर तक यूरिन को लेकर जाने का कार्य करती है, दैट इज यूरेटर। तो वहां पर ये मौजूद होगा, ये आपके यूरिनरी ब्लेडर में मौजूद होगा, यूट्रस में, आपके स्टमक में, इंटेस्टाइन में, यानी कि आपका मूत्राशय में, गर्भाशय में, पेट में, छोटी आंत में, और साथ में आपका जो परिसंचरण प्रणाली के अंग है वहाँ पर भी मौजूद होगा, साथ में जो आपके श्वसन प्रणाली है, आपकी उत्सर्जन प्रणाली है, और साथ में आपकी प्रजनन प्रणाली के जो भी रास्ते हैं, ट्रैक्ट्स हैं, उन सब में मौजूद होंगी आपकी चिकनी मांसपेशियां। और इनका ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, आपकी आँख में भी, जैसे कि जिसकी वजह से आपकी आँख का जो आयरिश है उसके साइज को चेंज करने में ये हेल्प करती है, साथ में आपकी आँख के लेंस को भी चेंज करने में ये हेल्प करती है, साथ में आपके आंख के लेंस की शेप को, और स्किन एंड इन द स्किन कॉजिंग द हेयर टू स्टैंड इरेक्ट, ठीक है। कोल्ड टेम्परेचर में, ठंड जब पड़ती है तो आपके रोएं खड़े हो जाते हैं, गूजबम्स होने लग जाते हैं आपको, तो यहाँ पर भी आपकी यही स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती है। तो ये सिर्फ आपके बाइसेप्स में प्रेजेंट नहीं होते। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने सही लगाया था, दो और बच्चों ने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था, सिर्फ दो ही बच्चों ने एक्सप्लेनेशन दिया था। जो बच्चे एक्सप्लेन करेंगे उनको स्पेशल अप्रिशिएशन मिलेगा क्लास में। तो आज का सवाल जो आपको आखिरी में मिलने वाला है, उसमें भी मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए जबरदस्त वाली। तो आप लोग के लिए कंप्लीट बैच 5 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, तो अगर आप इस बैच को अवेल करना चाहते हैं तो Y34 कूपन कोड लगाकर आपको 77% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये रहा आज का पहला सवाल, आप पहले सवाल का जवाब दे दीजिए तुरंत से। हाँ देखो प्रकाश, देखो भाई, रेलवे का एग्जाम मैंने तो कंडक्ट नहीं कराना है ना, तो जैसे नोटिफिकेशन आएगा बच्चे हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अभी आपका जैसे CBT पेपर 1 हुआ है, तो CBT पेपर 2 भी जल्दी ही हो जाएगा। अभी देखो, कोविड ना आपके हाथ में था, ना सरकार के हाथ में था, ना ही मेरे हाथ में था। कोविड इज अ नेचुरल जो एपिडेमिक हुआ, ये किसी के हाथ में थोड़ी ना है। और जल्दी से आप लोग क्लास को शेयर करेंगे, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप लोग इस्तेमाल करते हैं, और इस क्वेश्चन का सही मुझे आंसर बताएंगे कि ईस्ट इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, ईस्ट यानी कि खमीर का इस्तेमाल किसके उत्पादन के लिए किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग मुझे, और साथ में
साथ में आप लोग मुझे क्लास को जल्दी से लाइक करो भाई, जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं एग्जैक्टली उस प्रोसेस को फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन की अभिक्रिया कहा जाता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है, ठीक है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है, अनुपस्थिति में होती है, तो खमीर का इस्तेमाल किया जाता है दही के उत्पादन के लिए, ठीक, सॉरी, खमीर का इस्तेमाल किया जाता है अल्कोहल के फॉर्मेशन के लिए, शराब के उत्पादन के लिए, और जिस खमीर का इस्तेमाल किया जाता है उस खमीर का नाम है सैक्रोमाइसिस, ठीक है, सैक्रोमाइसिस, सैक्रोमाइसिस सर्वेसी उस खमीर का नाम है, ये आप नोट करेंगे, और इसको कहा जाता है ब्रेवर्स ईस्ट, इसको कहा जाता है बच्चे ब्रेवर्स ईस्ट, इसको कहा जाता है, और दही का इस्तेमाल, दही को बनाने के लिए हम एक बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं, हम एक जीवाणु का इस्तेमाल करते हैं, जिसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है आपका लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, ठीक है, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस इस बैक्टीरिया का नाम होता है। आपका चीनी को बनाने के लिए कोई हम बैक्टीरिया का इस्तेमाल नहीं करते, गन्ने से बनती है, और कॉमन सोल्ट आपको समुद्र के पानी से मिलता है, ठीक है। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ, एग्जैक्टली आपका CO2, देखो मिथेनॉल बनता है और साथ में आपका CO2 भी रिलीज होता है। अब सेकेंड क्वेश्चन ये रहा आप लोग के लिए स्क्रीन पर, इस क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया है कि प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ हाउ मैनी अमीनो एसिड्स, यानी कि प्रोटीन कितने प्रकार के अमीनो एसिड के द्वारा बनता है। तो हमारे अमीनो एसिड 17, 13, 15, 20, क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से सुनेंगे और इस क्वेश्चन का सही सही आंसर आप लोग बताएंगे। अनुज वर्मा क्वेश्चंस का आंसर दीजिए पहले, उसी के बाद हम बर्थडे विशेष शुरू करेंगे। पहले बच्चे आप लोग क्वेश्चंस का आंसर तो देना शुरू करो कि प्रोटीन्स कितने प्रकार के अमीनो एसिड से बनता है। तो देखिए बच्चे, जब भी आप प्रोटीन्स की बात करते हैं तो प्रोटीन बनता है अमीनो एसिड से, अमीनो एसिड किस से बनता है, नाइट्रोजनस बेसिस से। पूरा का पूरा कनेक्शन आप लोग सुनेंगे, मैं आपको रिवर्स प्रोसेस बता रही हूँ ताकि आपको ये प्रोसेस याद हो जाए। देखिए ध्यान से, प्रोटीन बच्चे किससे बनता है, प्रोटीन बनता है अमीनो एसिड से, प्रोटीन बनता है बच्चे अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड्स कैसे बनते हैं, ये ट्रिपलेट्स होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस के, ये ट्रिपलेट्स होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस के, और ये जो नाइट्रोजनस बेसिस है ये कहाँ से आते हैं, ये नाइट्रोजनस बेसिस आपका DNA की जो संरचना है उसके अंदर मौजूद होते हैं। तो तीन तीन नाइट्रोजनस बेसिस आपस में मिलके जब एक ट्रिपलेट बना देते हैं, जब एक कोडोन बन जाता है, तो वो कहलाता है एक अमीनो एसिड, और इसी प्रकार के अमीनो एसिड की जो चेन होती है उससे आपका बनता है प्रोटीन, ठीक है, चेन ऑफ पेप्टाइड्स, और एक पेप्टाइड के अंदर 2 से 20 अमीनो एसिड्स हैं, तो इस प्रकार के जब हजारों अमीनो एसिड्स की चेन होती है तो वो आपका बनाता है प्रोटीन। अब आपसे शुरुआत में ये पूछा जाए कि प्रोटीन फॉर्मेशन को शुरू करने वाला अमीनो एसिड कौन सा है, जिसको इनिशिएटर और स्टार्टर के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि कौन सा ऐसा अमीनो एसिड है जिसको स्टार्टर कहा जाता है या फिर जिसको इनिशिएटर कहा जाता है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे कि वो AUG यानी कि मिथियोनिन है, AUG यानी कि मिथियोनिन है। तो कल की सुबह की मैराथन में भी हम बहुत ही अच्छे से सभी क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करके करने वाले हैं, तो बी रेडी फॉर दैट, बहुत ही जबरदस्त तरीके से सारी एक्सप्लेनेशन होने वाली है और सभी क्वेश्चंस का आंसर होने वाला है, तो बी रेडी फॉर दैट। अच्छे से रात को डिनर कीजिएगा और सुबह उठ के तगड़े वाला ब्रेकफास्ट कीजिएगा और फिर 8 बजे मैराथन के अंदर आ जाइएगा, ठीक है। तो इस सवाल का जवाब आप लोगों का 20 है, इस प्रकार के टोटल 20 अमीनो एसिड्स होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है प्रोटीन्स के सिंथेसाइज में। वेरी गुड मॉर्निंग राधे श्याम, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे, वेरी गुड मॉर्निंग विल्सन, वेरी गुड मॉर्निंग। 12 बजे के बाद गुड आफ्टरनून हो जाता है, मतलब मुझे भी भावनाओं में ही बहा के ही मानोगे आप लोग, है ना। ये रहा आप लोग के लिए दूसरा सवाल, अभी सवाल का जवाब देंगे तुरंत से आप लोग मुझे, और जल्दी से जितने बच्चे यहाँ पर हैं बच्चे एक बार डबल कर दो, क्लास को शेयर कर दो फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जो भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं। हाँ, जिन जिन का आज बर्थडे है, विशिंग यू ऑल हैप्पीएस्ट बर्थडे, ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आज फार्मासिस्ट डे भी है, ओके, आज फार्मासिस्ट डे भी है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल जूस सिक्रीट बाय लीवर, ठीक है, यकृत के द्वारा स्रावित होने वाले पित्त रस का कार्य क्या होता है। आपसे सवाल में कार्य पूछा है, उसका गुण नहीं पूछा है, वो कार्य क्या करेगा भाई, ये तो उसका नेचर है कि
वो एसिडिक है कि अल्कलाइन है, उसके एसिडिक होने से, उसके अल्कलाइन होने से कार्य वो क्या कर रहा है, ये होगा सवाल का सही जवाब। संगीता, प्रियम भारती, आप दोनों ही जीतेंगे आज की क्लास में इस सवाल पे इनाम, क्योंकि सिर्फ आप दोनों का ही सही है। क्वेश्चन को ध्यान से काहे नहीं देखते हो रे, क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन में ये पूछा है कि ये कार्य क्या कर रहा है, ये नहीं पूछा है कि इसका नेचर कैसा है। अगर आपसे ये पूछा जाता कि इसका नेचर बता दीजिए, तब आपने लगाना था जवाब अल्कलाइन। जब आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई ये सिक्रीट हो गया है, अब ये कार्य क्या करने वाला है, तो आप लोगों ने आंसर लगाना है ये कि फूड को ब्रेक करेगा, ये फूड को, भोजन को तोड़ने का कार्य करेगा। अब भोजन की कैटेगरी हो जाती है कि ये आपका फैटी फूड को ब्रेक करने का कार्य करता है, ठीक है, फैट्स को, ऑयल्स को ब्रेक करने का कार्य करता है। तो क्वेश्चन का आंसर सही लगा। विशाल आपका ठीक है, मेडिटेशन तो सही करेगा क्योंकि मेडिटेट करके आंसर लगाते हैं, तो मेडिटेशन सर आपका तो आंसर ठीक होने ही वाला था। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी लगाने का है रे, क्वेश्चन देखा करो। हाँ, ये रहा आप लोग के लिए अगला सवाल। इस क्वेश्चन में आप लोगों से ये पूछा गया है कि ट्रोपोस्फेयर इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी कि शोभमंडल, शोभमंडल ट्रोपोस्फेयर यानी कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक वाली परत, पृथ्वी के सबसे नज़दीक वाली परत इतनी ज़्यादा गर्म होती है वायुमंडल में, उसके पीछे का कारण क्या है कि वो सूर्य के सबसे नज़दीक है, वो उसमें अवशेषित कण होते हैं, या फिर पृथ्वी की सतह पर जो गर्मी है वो उसको गर्म कर देती है, या फिर हीट इज जनरेटेड इन, उसी के अंदर ही हीट का उत्पादन होता है, हीट उसी के अंदर ही उत्पन्न होती है। तो इस सवाल का जवाब देंगे आप लोग मुझे, हाँ ए एंड सी दोनों राइट नहीं है अमन कुमार। क्वेश्चन में उसका फंक्शन पूछा था और फंक्शन उसका फूड को ब्रेक करना है, इमल्सिफाई करना है फैट को, ये उसका नेचर है। क्वेश्चन को ध्यान से रीड करेंगे, रेलवे में ऑप्शन ऐसे ही आएंगे तो कहाँ जाओगे तुम, सी लगाओगे इस क्वेश्चन का आंसर। शाबाश, इस सवाल का जवाब आपका सी है, वेरी गुड। सब ने सी लगाया है तो हम भी सी के साथ ही जाएंगे कि सबसे नज़दीक होती है पृथ्वी के। अब पृथ्वी में हर तरह की एक्टिविटीज़ हो रही है, प्लांट्स सांस ले रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज आउट किया जा रहा है, जो कि आपका एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ा रही है। जब एटमॉस्फेयर का, वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ेगा तो सबसे नज़दीक वाली परत ट्रोपोस्फेयर है, शोभमंडल है, तो उसका भी तो टेम्परेचर बढ़ेगा ही। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये लगाएंगे। ये रहा आप लोग के लिए अगला सवाल, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया है, संजय भैरवा राम राम राधे राधे, कैसे हैं आप, इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए एग्जैक्ट। कोई बात नहीं, आज से भी नहीं तो वैसे भी हारना ही होता है, हर बार का यही काम हो रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, मतलब मुझे भी अपडेट मिल जाते हैं डेली डेली आईपीएल के, वैसे तो मुझे वक्त नहीं होता देखने का। देखो भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स डज नॉट पजेस इट्स ओन जेनेटिक मटीरियल एनकोडिंग प्रोटीन्स, निम्नलिखित अंग में से वह कौन सा है जिसके पास अपने स्वयं का आनुवांशिक एनकोडिंग प्रोटीन नहीं होता, यानी कि किसी और से उसके पास आता है जब जाके वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, माने कि उसके पास खुद का जेनेटिक मटीरियल नहीं है, उसके पास सिर्फ कार्य करने के लिए आता है, यानी कि किसी की खुद की वो चीज़ नहीं है, सिर्फ वर्किंग के लिए आती है। तो वह उसी प्रकार का ये सवाल आप लोगों से पूछा गया है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। और जितने बच्चे कनेक्टेड हैं एक बार आप लोग क्लास को लाइक करेंगे और कल की मैराथन में ज़रूर आना है, ठीक है। आप अभी से अपनी अटेंडेंस दे दो, मुझे ये 113 बच्चे और शाम की क्लास वाले सारे बच्चे कल की मैराथन में मिलने चाहिए, नहीं तो तुम लोगों की होगी पिटाई, फिर बहुत तगड़े वाली पिटाई होगी फिर तुम लोगों की, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, राइबोसोम होगा, ठीक है। राइबोसोम का कार्य सिर्फ इतना होता है कि ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, इसका सिर्फ इतना कार्य होता है, इसका खुद का कोई जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट नहीं होता है, इसके पास सिर्फ वो एनकोडिंग के लिए आता है, ओके। अब अगला सवाल देखिएगा, अगले सवाल में आप लोगों से ये पूछा गया है कि विच मेरिस्टम इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीव्स और इंटरनोड्स ऑन ट्विग्स, कौन सा विभियो उत्तक पत्तियों के आधार पर या टहनियों पर इंटरनोड्स पर मौजूद होता है, ठीक है। जो पत्ते होते हैं, जहाँ से पत्ते उगना शुरू हुए हैं, इंटरनोड्स वाला जो एरिया होता है, वहाँ पर कौन से वाला मेरिस्टम यानी कि विभाजन उत्तक मौजूद होता है, ये आपसे इस सवाल में पूछा गया है। तो इस सवाल का जवाब क्या लगाने वाले हैं आप लोग, हाँ 1000% आओगे, चलो अच्छी बात है। जो 1000% आएंगे, क्या मैं उनका नाम नोट कर लूँ अपने, हाँ ठीक है, क्या मैं उनका नाम नोट कर लूँ,
तो जैसे ही क्लास एंड होगी कमेंट सेशन में आपको आंसर के साथ अपनी अटेंडेंस देनी है कल की, मैम कल हम आने वाले हैं, ठीक है। कमेंट जब लिखेंगे क्लास के अंत में, जब आप ऑफलाइन जो कमेंट लिखते हैं वहां पर आप लोगों ने कमेंट में लिखना है कि कल हम मैराथन में आएंगे और ये है आज के होमवर्क क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर है इंटर कैलरी मैराथन, ठीक मैरिस्टम, ठीक है, इंटर कैलरी मैरिस्टम इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यानी कि ये वो मैरिस्टम है, मैराथन ही निकल रहा है आज मुँह से, ये वो मैरिस्टम है जो दो नोड्स के बीच का ये जो स्पेस होता है ना, ये जो स्पेस होता है यहाँ पर प्रेजेंट होती है, जिसके वजह से नोड्स का साइज इंक्रीज करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल, ये रहा आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आप लोगों से ये पूछा गया है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद, यानी कि वाष्पीकरण की दर किसके किसके साथ बढ़ती है, वाष्पीकरण की दर कैसे बढ़ती है, एंड इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, यानी कि जब सरफेस एरिया बढ़ जाता है, अक्षेत्रफल बढ़ जाता है तब वाष्पीकरण का दर बढ़ जाता है, एंड इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता जब वातावरण में बढ़ जाती है तब वाष्पीकरण का दर बढ़ जाता है, या फिर डिक्रीज इन विंड स्पीड, हवा की गति में कमी होने से बढ़ जाता है, या फिर डिक्रीज इन टेम्परेचर यानी कि तापमान में कमी होने पर बढ़ता है। तो क्वेश्चन देखो ध्यान से कल सुबह 8 बजे, ठीक है, जब आपके फरिश्ते उठेंगे और आप भी उठोगे तो तभी से आपकी साइंस की मैराथन कल सुबह शुरू हो जाएगी, ठीक है। 8 बजे उठना है, अलार्म लगा के सोना है रात को। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद, वाष्पीकरण की दर किसके साथ बढ़ेगी, जब सरफेस एरिया बढ़ा देंगे, यानी कि जब आप कपड़े को खोल के धूप में डालते हो, सुखाते हो, तो कपड़ा जल्दी सूख जाता है क्योंकि वाष्पीकरण का दर बढ़ जाता है। वहीं पर आप कपड़े को स्क्वीज करके एक कोने में धूप में रख भी दो, पूरा दिन भी पड़ा रहेगा तब भी वो नहीं सूखेगा। और अगर आर्द्रता जो है बहुत ज़्यादा है, नमी बहुत ज़्यादा, चिपचिप वाला टेम्परेचर हो रखा है, तब भी इवेपोरेशन का रेट कम हो जाता है, हवा की गति कम है तब भी। देखो ये जो है भाई, ये आपके अगर ये अगर दूसरे रेशो में लिखे होते, इसको डिक्रीज लिखा होता, इसको इंक्रीज लिखा होता, इसको इंक्रीज लिखा होता, तब तीनों नीचे वाले पॉइंट भी आपका इवेपोरेशन को प्रभाव करने वाले होते पॉजिटिवली, ठीक है। तो सबके ऊपर अगर सिर्फ पूछा होता रेट ऑफ इवेपोरेशन किस पर निर्भर करता है, तो इन सभी पॉइंट पर निर्भर करता है, लेकिन बढ़ता सिर्फ तभी है जब आपका क्षेत्रफल बढ़ेगा उस कपड़े का जिसको आपने धूप में सुखाने के लिए डाला हुआ है। ओके, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में आप लोगों से क्या पूछा गया, ये रहा आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का अच्छे से आप लोग प्यार से मुझे आंसर बता दो, बहुत ही उम्दा सवाल है, इस क्वेश्चन का अच्छे से ठीक ठीक लगाकर आंसर हम लोग डिस्कस करेंगे। द सोर्स ऑफ द सन्स एनर्जी इज द प्रोसेस ऑफ, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत निम्नलिखित प्रक्रियाओं में कौन सा, यानी कि सूर्य के प्रकाश से आपको जो ऊर्जा मिलती है, सन के अंदर से जो आपको सौर ऊर्जा मिलती है वो किस कारण मिलती है, कौन सी अभिक्रिया उधर होती है, विखंडन होता है, विलयन होता है, फोटोइलेक्ट्रिक उत्सर्जन होता है, या फिर थर्मोआयनिक उत्सर्जन होता है, क्या होता है वहां पर एग्जैक्टली। शाबाश, बिल्कुल सही माधव, ध्यान से देखो भाई, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है वहाँ पर, ठीक है। सन का जो गोला है, जो आपका सन है, उसके अंदर हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम आयंस प्रेजेंट है वहाँ पर, ये दो एटम्स प्रेजेंट है, क्योंकि हम लोग बात करते हैं कि यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो हम हाइड्रोजन इस क्वेश्चन का आंसर लगाते हैं। और हाइड्रोजन जब वायुमंडल से ऊपर ब्रह्मांड में चला जाता है तो वो वहाँ पे सूर्य के अंदर सौर ऊर्जा के उत्पन्न करने का एक स्रोत बन जाता है। कैसे बनता है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन करके, परमाणु जो संलयन अभिक्रियाएं हैं उनको परफॉर्म करने के बाद। तो सी लगाएंगे इस सवाल का सही जवाब। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इस क्वेश्चन में आप लोगों से ये पूछा गया है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, ये थोड़ा डिफरेंट है, ये नया वाला है, ये थोड़ा डिफरेंट है, ये नया वाला सवाल है। तो इस सवाल का क्या आप लोगों ने जवाब लगाना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ जर्म सेल्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जर्म कोशिकाओं के बनने के लिए ज़रूरी है। जर्म कोशिकाएं यानी कि युग्मक जिनसे बनेगा, जिनसे आपका गैमेट डेवलप होगा, उस प्रकार की कोशिकाओं को कहा जाता है जर्म कोशिकाएं। तो इस सवाल का जवाब दीजिए फंतोष कुमार, इतना ज़्यादा हिंदी में हम यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप मेरी बातों को सुनो, समझो, आपको समझ में आएगा बच्चे सब कुछ। इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे लगा रहे हैं एंडोमेट्रियम, जो कि बिल्कुल गलत है, ओवरीज, अंडाशय, ठीक है,
पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट होते हैं, इन्हीं को ही प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोला जाता है फीमेल का, और यहीं से ही हॉर्मोन्स का सिक्रीशन होता है। जो मेजर सेक्स हॉर्मोन्स होते हैं फीमेल के अंदर, एस्ट्रोजन एंड सेल्स का प्रोडक्शन हो रहा है, यानी कि जो ओवा का फॉर्मेशन हो रहा है, वो भी जो ओजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है बच्चे, उनको ध्यान से देखें करें और उसके बाद क्वेश्चन का आंसर लगाया करें। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। हाँ, इस क्वेश्चन का सही आंसर बता दीजिए तुरंत से, और जो बच्चे यहाँ कनेक्टेड एक बार क्लास को आप लोग शेयर करेंगे व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, जहाँ पर भी आपके कनेक्शन है, हर जगह क्लास को शेयर करो। इस क्वेश्चन का सही आंसर बताओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स कॉन्ट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन ऑफ सीमन, यानी कि निम्नलिखित में से वे कौन सी ग्रंथि है जो व्रीह के उत्पादन में योगदान देती है। अब सीमन क्या होता है? देखो, दो टर्म्स होती हैं, एक होता है स्पर्म यानी कि शुक्राणु, ठीक है, जो मेल गैमेट होता है उसको स्पर्म कहते हैं, ठीक है। ये कहाँ से बनता है? देखो, ये बनता है टेस्टिस के अंदर, ठीक है, वृषण अंग जो है, वहाँ के जो सेमिनल वेसिकल्स वाला रीजन है, वहाँ बनता है स्पर्म। अब सिर्फ स्पर्म ही डिस्चार्ज नहीं होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, उसके साथ कुछ फ्लूइड मैट्रिक्स भी होती है जो उसको न्यूट्रिशन देने का, पोषक तत्व देने का कार्य करती है। तो जब स्पर्म के साथ, ठीक है, वो न्यूट्रिशन जो भी ग्रेडियंट है, जो फ्लूइड है, वो मिल जाता है, तो उस न्यूट्रिशन फ्लूइड को, जो उसको न्यूट्रिशन देने का कार्य करता है, उसको कहा जाता है सीमन। तो वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है? वो इन तीनों अंगों से प्रोड्यूस होता है, सेमिनल वेसिकल से भी, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जिसको हम काउपर ग्लैंड भी कहते हैं, इसी को हम काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं, और प्रोस्टेट ग्लैंड, तीनों से ही उत्पादन होता है इसका, ठीक है। तीनों ऑल करेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे। मनीषा आर्य, राहुल, वेरी गुड आफ्टरनून, तीनों ही इस क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे। आगे देखिए भाई, अगला सवाल आप लोगों के लिए क्या है? अगला सवाल ये रहा आप लोगों के लिए स्क्रीन पर। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया है? ऑल करेक्ट है आशु कुमार, ऑल करेक्ट है। बल्बो यूरेथल जो काउपर ग्लैंड है, उसका भी काम यही होता है, और सेमिनल वेसिकल्स जो है, देखो एक है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो कि टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होता है, जहां से स्पर्म का प्रोडक्शन होगा, और ये जो सेमिनल वेसिकल्स है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, बल्बो यूरेथल ग्लैंड है, ये तीनों आपका इसको न्यूट्रिशनल फ्लूइड और सेमिनल फ्लूइड को ट्रांसफर करने का, प्रोवाइड करने का कार्य करते हैं स्पर्म को, ताकि वो न्यूट्रिशन उसको मिल सके, ठीक है, टोटल ओके। अब ये देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन में आप लोगों से ये पूछा गया है, टू डिटेक्ट द डायरेक्शन एंड रेंज ऑफ एन अप्रोचिंग एरोप्लेन बाय मींस ऑफ रेडियो वेव्स विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज, यानी कि रेडियो तरंगों के माध्यम से आने वाली हवाई जहाज की दिशा और सीमा का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग करेंगे, ठीक है। जो भी सामने से कोई एरोप्लेन आ रहा है, आपको उसकी किसकी दिशा का पता लगाना है, आपको उसकी रेंज, उसकी सीमा का पता लगाना है, तो निम्नलिखित में से कौन से डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है? सिंपल, हम रेडार का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, रेडियो वेव्स डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है, रेडियो वेव्स के डिटेक्शन के लिए और रेंजिंग के लिए रेडार का इस्तेमाल किया जाता है। यही वो रास्ता बताता है कि जहाँ पर से आपके एरोप्लेन ने वो फ्लाइट लेनी होती है, ठीक है, टेक ऑफ करना होता है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लैक्टोमीटर को भी हम डिस्कस करते हैं, दूध की शुद्धता को मापने के लिए, दूध के घनत्व को मापने के लिए, और दूध के अंदर लैक्टोज जो शुगर मौजूद है उसको मापने के लिए हम लैक्टोमीटर का इस्तेमाल करते हैं और माइक्रोपायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। रेडियो वेव्स का जो टेम्परेचर, पायरो शब्द एसोसिएटेड है टेम्परेचर यानी तापमान के साथ, तो उनकी जो आपकी वेव्स हैं उनसे एसोसिएटेड जो टेम्परेचर वेरिएशंस हो रहा है उसको मेजर करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे, और मैकमीटर का इस्तेमाल किया जाता है एयरक्राफ्ट्स की स्पीड को मेजर करने के लिए, ठीक है। जितने बच्चे कनेक्टेड हैं, अगर आपने अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं करा है तो आप एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए। देखते हैं अगला सवाल, ये रहा आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आप लोगों से ये पूछा गया है, द टेलीस्कोप इज यूज्ड फॉर व्यूइंग, दूरबीन का उपयोग किसको देखने के लिए करेंगे, दूरबीन से क्या देखते हैं, ठीक है। बचपन में बच्चे मेले में जाते हैं तो वहां पर एक ऐसा सेटअप होता है, ठीक है, तो उस सेटअप से आप लोग को अलग से एक फिल्म से दिखाई जाती थी, ठीक है, वो
पहले के टाइम में होता था, मूवीज वगैरह में आप लोगों ने इस चीज़ को विजुलाइज किया होगा, तो उसको दूरबीन या फिर मार्केट से दूरबीन भी हम लोग लेकर आते थे जब हम लोग लक्ष्मण झूला राम झूला घूमने वूमने जाते थे, तो उसी प्रकार से वो रिलेट करके नहीं बताएंगे, टेलीस्कोप का एग्जैक्ट यूज आप लोग मुझे बताएंगे कि दूरबीन का उपयोग किसको देखने के लिए किया जाता है, दूर दराज की वस्तुओं को देखने के लिए, नज़दीक की वस्तुओं को देखने के लिए, छोटी छोटी वस्तुओं को देखने के लिए या फिर जीवित कोशिकाओं को देखने के लिए। हाँ ओके ठीक है चलो। हाँ फिर क्लास को शेयर भी तो करो जल्दी से, है ना, क्लास को शेयर भी तो करो, ऐसे मज़ा नहीं आता, कम से कम क्लास को 150-200 पार लेकर जाया करो। हाँ अगर क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को शेयर भी तो करके आया करो। ये क्वेश्चन देखो आप लोगों से जो पूछा गया है कि दूरबीन का इस्तेमाल किया जाता है दूर पर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देखने के लिए, ठीक है, नज़दीकी जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको तो आप अपने नेत्र अपने चक्षु से देख ही सकते हो, क्योंकि हमारी आँखें जो होती हैं 25 सेंटीमीटर, हमारी आँखों से 25 सेंटीमीटर की दूरी से अनंत दूरी तक देख सकती हैं, लेकिन अनंत दूरी तक उसको वो प्रॉपर रिजोल्व करके नहीं देख सकते, क्योंकि हमारी आंखें कैमरे की तरह बिहेव करती है, तो एक डिस्टेंस तक वो रिजोल्व करके बता देगी कि इस इंसान ने ये कपड़े पहने हैं, ये इसके हेयर कलर है, इसका फेस, इसका बॉडी फीचर, इस हिसाब से वो सब हम बता सकते हैं। स्मॉल ऑब्जेक्ट्स जो छोटी छोटी वस्तुएँ हैं और जो जीवित छोटी छोटी वस्तुएँ हैं उनको देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हाँ एग्जैक्टली शोभा, बिल्कुल सही, शाबाश आशु कुमार, वेरी गुड। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आप लोगों से ये पूछा गया है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड स्पीड ऑफ अ व्हीकल, यानी कि किसी वाहन की गति को रिकॉर्ड करने के लिए कि कोई भी वाहन है वो किस स्पीड से चल रहा है, मतलब कि पापा की गाड़ी तुम लेकर बाहर निकले हो एंड पापा इज गोइंग टू चेक आफ्टर यू कम, अगर आपने स्पीडोमीटर नहीं देखा है कि कितना दूर तक तुम गाड़ी को घुमा घुमा के आए हो और कितनी जल्दी तुम घर वापस आ गए हो, अगर उन्होंने जाने से पहले ऑडोमीटर देख लिया है, तुम्हारे घर से बाहर निकलने से पहले उन्होंने ऑडोमीटर चेक कर लिया है और साथ में समय भी देख लिया है कि तुम किस वक्त घर से निकले हो और जब तुम घर आ रहे हो, यानी कि तुम आधे घंटे में घर आ गए हो, 30 मिनट्स में तुम घर आ गए हो, लेकिन ऑडोमीटर की रीडिंग में 100 किलोमीटर का बदलाव हो रहा है, ऑडोमीटर की रीडिंग में 100 किलोमीटर का बदलाव हो रहा है, तो तुम्हारे पप्पा को साफ पता लग जाएगा कि तुमने गाड़ी जो है बिल्कुल हवा की स्पीड से रोड पे लहराते हुए तुम लेकर गए हो। तो ऑडोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, बच्चे ऑडोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है कितना डिस्टेंस कितनी दूरी तुमने तय की है उसको मापने के लिए हम ऑडोमीटर का इस्तेमाल करते हैं और स्पीड को मापने के लिए हम स्पीडोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो बी एक्टिव, ठीक है, बी अलर्ट, ऐसे कांड कारनामे नहीं करने चाहिए, ठीक है, अपना जो नॉर्मल स्पीड लिमिट्स है उसी के अंदर चलना चाहिए। हाँ वेरी गुड अमन कुमार, हाँ यही है, तुम जैसे चालाक बच्चों की वजह से अभी पेरेंट्स ने मना कर दिया है गाड़ी को अकेले घर से बाहर लेकर नहीं निकलना है, किसी को साथ लेकर ही निकलो जो तुम्हारे घर आके शिकायत लगा सके, ठीक है। तो स्पीडोमीटर इस क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे। थर्मोमीटर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, थर्मोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, आपके शरीर के तापमान को मापने के लिए हम क्लिनिकल थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है एटमोस्फेरिक प्रेशर यानी कि वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए हम बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं और ऑडोमीटर का इस्तेमाल तो आप लोगों ने बता ही दिया, ठीक है। हाँ वही इतना तेज ना चलो, ठीक है, हाँ थोड़ा होले होले चलाया करो गाड़ी को, एग्जैक्टली ठीक है, ज़्यादा ही हो गया, वैसे इतना तो कोई नहीं चला सकता लेकिन कुछ लोग करते हैं, ऐसा करते हैं भाई, ऐसे बच्चे भी है दुनिया में। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया है, एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में आप लोगों से ये पूछा गया है कि द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट वॉज डिस्कवर्ड बाय, संभावित अंतर और विद्युत आवेश के बीच का जो संबंध है उसको किसके द्वारा खोजा गया था, उसको ओम के द्वारा खोजा गया था, इसीलिए उसका नाम हमने ओम भी रख दिया, ठीक है, इसीलिए उसका नाम हमने ओम्स लॉ रख दिया। और जिस जो इन दोनों के बीच का रिलेशन है, जो कांस्टेंट है, जो इन दोनों के बीच के रिलेशन को शो करता है, उसको हमने बोल दिया रेजिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोधक, ठीक है, उसको हमने रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोधक बोल दिया। तो ये सब चीज़ें आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अगले हाँ नमस्कार है रामदेव, नमस्कार है आपका, नमस्कार ले लिया है हम लोगों ने। देखिए भाई अब आज के सेशन का आप लोगों के लिए
क्वेश्चन है जो होमवर्क क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन का आप लोग अच्छे से आंसर करेंगे और कल सुबह 8 बजे के लिए अपनी ऊर्जा को अभी से संरक्षित रखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कल आपको मेरे साथ 6 घंटे बने रखना है। ठीक है, 6 घंटे बने रहना है। हम लोगों ने जो प्रॉमिस किया था, आई एम फुलफिलिंग द प्रॉमिस, तो आप लोग भी ये प्रॉमिस निभाएंगे मेरे साथ मिलकर। ठीक है, और अभी जो बच्चे यहाँ कनेक्टेड हैं, कमेंट में आप लोग लिख कर जाएंगे, कमेंट में यहाँ नहीं, लाइव चैट में नहीं, कमेंट में लिखेंगे, मैम कल हम प्रेजेंट रहने वाले हैं, मेरी आप लोग उपस्थिति को उसमें आप चेक कर सकते हैं कल क्लास में। तो बच्चे आप लोग ज़रूर लिख कर जाइएगा ये। ठीक है, हाँ, और ये आप लोग के लिए आज का जो होमवर्क क्वेश्चन है, ये रहा आप लोग का होमवर्क क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन के साथ इस क्वेश्चन को आप मुझे लिख कर दिखाएंगे, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है जिसको आप निहार लो, देख लो। क्या चाहिए होता है मुझे होमवर्क में, क्या चाहिए होता है? माही शर्मा, कल हम लोग 6 घंटे पढ़ेंगे, बिल्कुल ज़बरदस्त वाला, कल हम 6 घंटे पढ़ेंगे। हाँ, 2 बजे वाली क्लास होगी, 2 बजे वाली क्लास भी ज़रूर होगी। ठीक है, क्लास आपकी रेगुलर, मेरा प्रॉमिस है क्लास आपकी मैं रेगुलर लेने वाली हूँ, कहीं नहीं जाएंगे हम, कल हम पढ़ेंगे 6 घंटे। तो आप लोग की एनर्जी सेव करा रही हूँ मैं थोड़ी सी। अभी देखो, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे होमवर्क में लिख कर बताएंगे। कंप्लीट बैच आप लोग का 5 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, तैयारी को ज़बरदस्त करने के लिए आप एक कंप्लीट बैच अवेल कर सकते हैं। Y344 कूपन कोड लगाकर 77% डिस्काउंट आपको मिलेगा, और ये साइंस की कल मैराथन है, बी रेडी फॉर दैट। ठीक है, साइंस की मैराथन के लिए रेडी रहेंगे, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से आप लोग अटेंड करने के लिए आएंगे। ठीक है, हाँ, और यहाँ आप लोग के लिए देखो भाई, जो भी स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज़ हो गया, आपका ई बुक्स हो गया, और आपका कोई भी क्रैश कोर्स हो गया, अगर आप अवेल करें अपनी तैयारी को ज़बरदस्त करने के लिए, तो आपको 77% का डिस्काउंट मिलेगा Y344 कूपन कोड को लगाकर। तो इस होमवर्क क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर विद एक्सप्लेनेशन, पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ, और साथ में, ठीक है, कल की प्रेजेंट कि कल हम आ रहे हैं मैम, बी रेडी फॉर दैट, ये भी आप लोग कमेंट में लिखकर बताएंगे, जिससे कि मेरी एनर्जी में और बूस्टअप होगा कल के लिए। तो मिलते हैं कल, और अभी मिलते हैं 2 बजे सेशन में MTS की। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।